हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में एपीआई में क्रूड ऑपरेशंस कैसे होता है, वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको क्रूड ऑपरेशंस आता है तो लारावेल में एपीआई में आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लारावेल 9 जो है ऑलरेडी क्लोन करके यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने डेटाबेस जो है यूजर नाम का टेबल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम और करेंगे, वो चीज़ है एपीआई में काम करने का, एपीआई में क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, चारों चीज़ जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमको एक कंट्रोलर की ज़रूरत है, वो कंट्रोलर हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली पीएचपी आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एपीआई, उसके बाद यहाँ पे यूजर कंट्रोलर, क्योंकि हम यूजर कंट्रोलर यूजर का डेटा जो है उसको हम थोड़ा यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं डेटा डेटा भी टेबल के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बना दिया यूजर कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे एपीआई का फोल्डर, उसके अंदर हमारा यूजर कंट्रोलर। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको राउट के अंदर एपीआई डॉट पीएचपी नाम का जो फाइल मिलेगा उसके अंदर आपको राउट बनाना है, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट मेथड यूज करनी है सिंपली। तो यहाँ पे दोस्तों यूजर स्टोर ऐसा कुछ हम बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो कंट्रोलर है वो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा लारावेल में 9 अगर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है, आपको कंट्रोलर का नेम स्पेस कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा ऐसा जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों आप ये जो क्रूड ऑपरेशन है लारावेल में किसी वर्जन में आप कर सकते हो, किसी भी वर्जन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लारावेल 9 में हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं लेटेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों स्टोर नाम का फंक्शन बनाता हूँ सिंपली। दोस्तों यूजर कंट्रोल यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, स्टोर नाम का फंक्शन जो बनाना है वो यहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं फंक्शंस और यहाँ पे स्टोर नाम का फंक्शन, ठीक है, स्टोर, और यहाँ पे दोस्तों स्टोर के बाद रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा सिंपली। दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज़ और करनी है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वैलिडेशन आपको यहाँ पे रखना है दोस्तों, तो वो चीज़ आप कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको यूज़ वैलिडेटर यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ वैलिडेटर सिंपली। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, और यहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन बनाने के लिए वैलिडेटर कॉलन कॉलन मैक, और यहाँ पे दोस्तों आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पे दोस्तों इनपुट कर दे रहा हूँ, वेरिएबल इनपुट। ठीक है, ये चीज़ हो गई सिंपली, इनपुट को मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे दोस्तों उसका जो वैलिडेशन है वो चीज़ हम यहाँ पे अभी लगा रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे काम करना है, वैलिडेशन जो जो लगाना है वो चीज़ क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड वैलिडेशन में दोस्तों यहाँ पे कौन से फील्ड लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक नेम का जो फील्ड है वो यहाँ पे लेंगे नेम, उसके बाद दोस्तों वो रिक्वायर्ड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ईमेल जो है उसका फील्ड यहाँ पे हम लेंगे। तो ये चीज़ ईमेल दोस्तों यहाँ पे यूनिक करेंगे, तो यहाँ पे यूनिक, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अपना यूजर्स टेबल, और यहाँ पे दोस्तों ईमेल्स नाम की कॉलम से हम पूरा चेक करेंगे। तो ये चीज़ हो गई सिंपली दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद अपना जो ईमेल जो है वो यहाँ पे यूनिक हो जाएगा, और सिंपली दोस्तों ईमेल का जो वैलिडेशन है वो भी यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड का है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंपली। तो पासवर्ड जो चीज़ है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे दोस्तों रिक्वायर्ड और मिनिमम 6 कैरेक्टर ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों, यहाँ पे हमारी तीन चीज़ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पे लेते हैं सिंपली। दोस्तों यहाँ पे ये जो नल नल है, ठीक है, रिमेंबर टोकन नल है, पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, बाकी सारा दोस्तों यहाँ पे नेम, ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड, तीनों चीज़ जो है वो यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो वैलिडेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको वो चीज़ रन करके दिखाता हूँ वैलिडेशन आपको कैसे लगाना है। वैलिडेशन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कीवर्ड लिखना है फेल्स, अगर आपका वैलिडेशन फेल्स होता है तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पोस्टमैन हम ओपन करेंगे, और ये जो हमारी एपीआई है वो पोस्टमैन में चलाएंगे, तो आप हम जो हमारा रिस्पॉन्स है वो पोस्टमैन में देख पाएंगे। ये दोस्तों पोस्टमैन जो एक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप एपीआई का जो रिस्पॉन्स है एपीआई जो है वो आप टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली करनी है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली दोस्तों मेरे पास ये चीज़ है, और यहाँ पे दोस्तों मैं नया रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मेरी है मेथड जो है पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों पोस्ट मेथड में लारावेल 9 हमारा यूआरएल है, laravel9.dv। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था लारावेल 9.dv, तो वो चीज़
लारावेल 9.डीबी, और यहाँ पे दोस्तों यूजर स्टोर, और यहाँ पे इससे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा एपीआई, क्योंकि ये जो राउट है वो यहाँ पे सेट किया हुआ रहता है एपीआई कीवर्ड के साथ, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सेटअप किया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि राउट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप प्रोवाइडर के अंदर राउट सर्विस प्रोवाइडर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एपीआई जो है वो प्रीफिक्स सेटअप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एपीआई का जो प्रीफिक्स सेटअप है वो दोस्तों यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेक करना है सिंपली पोस्ट मेथड, यहाँ पे दोस्तों मैं सेंड कर रहा हूँ वापस, देखिए यहाँ पे कुछ मुझे वो क्रिएट करने को बोल रहा है शायद, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो वर्जन था वो थोड़ा लोअर हो गया था, तो मैंने ये पूरा पोस्ट मैंने वो अपडेट कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो पोस्ट मैंने वो अभी यहाँ पे काम कर रहा है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं वापस एक बार http://laravel9.dv और यहाँ पे दोस्तों अपना API प्रीफिक्स, और यहाँ पे अपना राउट यूजर स्टोर करके यहाँ पे पोस्ट मेथड सिंपली मैं दोस्तों यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, और देखिए क्या रिस्पांस आता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिस्पांस आया वो सक्सेस ऐसा कुछ आया है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये जो रिस्पांस आया है, ठीक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे यस प्रिंट होके मिलेगा हमको, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा प्रीव्यू है वो यहाँ पे यस मिला। सिंपली दोस्तों ये ब्लैंक इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न रिस्पांस कुछ नहीं दिया था, तो यहाँ पे दोस्तों रिटर्न रिस्पांस सिंपली दोस्तों यहाँ पे जेसन, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जेसन के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दोस्तों डेटा के साथ मतलब एरर मैसेज ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो वैलिडेशन का जो वेरिएबल था हमने यहाँ पे लगाया था उसको यहाँ पे हम पूरा रख के, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरर्स नाम का हमारा फंक्शंस लारावेल का वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और देखिए दोस्तों उसका जो रिस्पॉन्स है ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ आता है। देखिए यहाँ पे एक बार वापस दिखा देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ ऐसे चीज़ जो है वो प्रिंट होता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑल करके भी आप ले सकते हैं, साथ साथ ऑल ऐसा कुछ पी करके आप यहाँ पे ले सकते हैं ऑल करके, ठीक है, मतलब एक ही आपको एक ही एरर में एरर्स नाम के एरर में सारा डेटा मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला यूज़ कीजिए, ठीक है। देखिए नेम ईमेल, क्योंकि आपको वो पूरा की के साथ आपको डेटा जो है वो मिलता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज़ है इसको हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पे दोस्तों यूज़र नेम का हमारा मॉडल, ठीक है, यूज़ ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर हमारा यूज़र नाम का जो मॉडल है वो चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं क्रिएट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो है यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ, और अपना जो डेटा जो आता है उसको यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे स्टोर हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं स्टेटस जो है उसका मैं सक्सेस कर दे रहा हूँ सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों 200 स्टेटस जो है वो दोस्तों यहाँ पे ट्रू कर दे रहा हूँ सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों जब भी एरर आई थी तब यहाँ पे दोस्तों मैं स्टेटस है वो यहाँ पे फॉल्स दे रहा हूँ। सिंपली दोस्तों ये चीज़ हो गई, और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और दे सकता हूँ शायद 422 ऐसा कुछ एलिमेंट जो आता है एरर के लिए वो चीज़ हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे सेटअप कर दिया हमने, और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मैसेज होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे मैंने लगाया है वो चीज़। देखिए यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स जो है 422 अनप्रोसेस कंटेंट हमने यहाँ पे ये जो वेरिएबल दिया तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है, देख सकते हैं आप। अदरवाइज़ पहले जो दोस्तों रिस्पॉन्स था वो स्टेटस 200 पे आ रहा था, ओके स्टेटस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 422 दे दिया, तो ये जो वैलिडेशन का जो स्टेटस है ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और स्टेटस आपको फॉल्स मिलेगा। तो आप इससे इसके हिसाब से आप पूरा जो है वो सेटअप कर सकते हो, तो वो चीज़ हो गई। और दोस्तों हमारा वैलिडेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म के डेटा के अंदर आपको यहाँ पे देना है सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ, नेम के बाद यहाँ पे दोस्तों नेम के बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिंपली हमारा नेम मतलब टेस्ट ऐसा कुछ दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड ईमेल जो है मैं यहाँ पे ईमेल जो दे रहा हूँ दोस्तों वो दे रहा हूँ example@example.com, तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैंने दे दी। और पासवर्ड जो दे रहा हूँ दोस्तों मैं सिंपली दोस्तों पासवर्ड 123456 ऐसा कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिंपली। दोस्तों जब भी हम पासवर्ड जो है
वो क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बिक्रिप्ट होगा पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड बिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी सिंपली कर रहा हूँ, इनपुट पासवर्ड, और यहाँ पे दोस्तों अपना बिक्रिप्ट फंक्शन है, वो फंक्शन हम यहाँ पे देंगे और सिंपली दोस्तों इसको क्रिएट करेंगे। देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने यूनिक वैलिडेशन लगाया था तो दूसरा रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी टेकन, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जाम्पल टू कर दे रहा हूँ सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं वापस एक बार सेंड कर रहा हूँ, देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे दोस्तों दो रिकॉर्ड जो है वो जनरेट हो चुके हैं। सिंपली दोस्तों इसको लिस्ट करने के लिए मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा, ये हमारा हो गया स्टोर। सिंपली दोस्तों इसको हम लिस्ट करेंगे, गेट डेटा ऐसा कुछ बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों गेट डेटा के लिए जब भी हम डेटा उसका गेट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो वेरिएबल है वो यहाँ पे कुछ ऐसा लगाएंगे, गेट मेथड। ठीक है, अदरवाइज ऑल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों डेटा जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, और मैसेज के अंदर यहाँ पे दोस्तों डेटा के अंदर आपको पूरा वेरिएबल जो है वो यहाँ पे आपको रख देना है सिंपली। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रख दिया, और सिंपली दोस्तों api.php फाइल के अंदर एक और फंक्शन बनाना है, गेट डेटा, और यहाँ पे दोस्तों गेट मेथड करनी है सिंपली, क्योंकि गेट मेथड है डेटा फेच करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिर्फ यूज़र राउट रखता हूँ या यूज़र लिस्ट ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ सिंपली। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे यूज़र लिस्ट, तो ये चीज़ हो गया दोस्तों यहाँ पे यूज़र लिस्ट। ठीक है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा राउट जो है वो चुनता हूँ, यहाँ पे यूज़र लिस्ट, यूज़र लिस्ट किया मैंने, और यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली सेंड कर रहा हूँ। देखिए अपना जो डेटा है वो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सिंपली। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। अगर दोस्तों आप पेजिनेशन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेजिनेट ऐसा भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक एक पेज का, एक पर पेज एक रिकॉर्ड का जो पेजिनेशन लगाना चाहते हो तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ लिंक जो है वो जनरेट होता है, और यहाँ पे दोस्तों सिंपल पेजिनेट ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ये भी आसान रहेगा, सिंपल पेजिनेट करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज के ही लिंक मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल वन वाला रिकॉर्ड है, ठीक है यहाँ पे आईडी में वन दिख रहा है, और यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा जो है वो यहाँ पे फायर कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे आपको टू नंबर का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पेजिनेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो काम कर रहा है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यूज़र उसका आईडी यहाँ पे देंगे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फाइंड यूज़र करके हम एक और फंक्शंस बनाएंगे सिंपली। दोस्तों इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपना रिकॉर्ड है फाइंड यूज़र, और यहाँ पे दोस्तों डॉलर आईडी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे फाइंड फंक्शन के अंदर हम आईडी देंगे, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो डेटा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों इसको मैं रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी, इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं एक नंबर का जो आईडी है उसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा वन, और यहाँ पे दोस्तों डेटा जो है वो टू मिल गया आपको, मतलब आईडी के बेस पे भी आप डेटा जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों सिंपल। दोस्तों इसके बाद मैं आपको अपडेट दिखाना चाहता हूँ। अपडेट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट का मेथड, और यहाँ पे दोस्तों आईडी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ये चीज़ हो गई सिंपली। दोस्तों ये जो कोड होगा वही रहेगा, थोड़ा चेंज होगा इसके में, इसमें मैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपली। दोस्तों यहाँ पे जो अपना ईमेल जो है, ठीक है ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, उसको थोड़ा चेंजेस करना है, वैलिडेशन ये सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आईडी के बेस पे चेंज करना होगा, क्योंकि आपका आईडी है यूनिक में आपका जो है वो एग्जिस्ट करके दिखाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आईडी रखना पड़ेगा। तो उस आईडी पे वो इग्नोर करेगा जब भी आपका ईमेल आपके आईडी में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली करनी है। अगर आप वैलिडेशन होगा तो आपको एरर मिलेगा सिंपली। दोस्तों यहाँ पे अपडेट करना है आपको, ठीक है अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों फाइंड करके वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों वेयर कंडीशन अपना, और यहाँ पे आईडी, ठीक है, और यहाँ पे अपना अपडेट रिकॉर्ड सिंपली। दोस्तों यहाँ पे मैं अपडेट रिकॉर्ड का जो है वो कोड यहाँ पे कर रहा हूँ, यूज़र अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक और मेथड बनानी है, पैच मेथड अपडेट के लिए, और यहाँ पे पैच अपडेट होगा आपका।
ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी ये चीज हो गई सिंपली। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा राउट में चेंज करता हूँ, यूजर अपडेट, यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली रखना है यूजर अपडेट पैच मेथड, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यूजर अपडेट के बाद एपीआई जो हमने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है सिंपली। दोस्तों यहाँ पे दो नंबर का जो यूज़र है उसको मैं यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म डेटा है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंपली। तो फॉर्म डेटा है यहाँ पे दोस्तों हमने दिया था, वो चीज़ हम यहाँ पे सिंपली कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो वैलिडेशन था कॉपी किया और यहाँ पे दोस्तों मैंने एडिट करके बल्क एडिट में वापस रख दिया। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर मैं दो नंबर को वापस एडिट करता हूँ, देखिए अपडेट सक्सेसफुली, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड चेंजेस होगा क्योंकि हर बार अलग अलग जनरेट होता है, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों सिंपली। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो आईडी है एग्जांपल ईमेल जो आईडी है उसको यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, देखिए ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जो है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा नेम चेंज कर दे रहा हूँ टेस्ट 5 करके, देखिए आपको वो भी चीज़ देखने को मिल जाएगी। देखिए टेस्ट 5 आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो दोस्तों आप ऐसे कुछ जो है अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो सिंपली। दोस्तों एक और रह गया यहाँ पे डिलीट का, तो उसको हम डिलीट कर देंगे एक बार, रिकॉर्ड जो है डिलीट, ठीक है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे डिलीट मेथड आपको यूज करनी है, यूजर डिलीट, और यहाँ पे दोस्तों डिलीट का मेथड सिंपली, दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर का डिलीट का मेथड जो है वो कुछ ऐसे तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों डिलीट मेथड है वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी डिलीट, और यहाँ पे अपना आईडी और अपना राउट जो होगा वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, यूजर डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डिलीट का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा कुछ आएगा सिंपली। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक और फंक्शंस बनाना है सिंपली। देखिए यहाँ पे वो चीज़ में भी बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शंस किया हमने, और यहाँ पे दोस्तों आईडी होगा हमारा सिंपली। दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे आप सिर्फ डिलीट करके भी कर सकते हो, ठीक है। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, तो दोस्तों ये डिलीट वाला मेथड है वो एक बार चला के देखते हैं कि, और देखते हैं हमारा रिकॉर्ड डिलीट होता है कि नहीं सिंपली। दोस्तों यहाँ पे हम दो नंबर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं सेंड कर रहा हूँ, देखिए यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो हमारा यूज़र है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है सिंपली। दोस्तों एक बार इसको रन करके देखते हैं वापस हमारा जो यूज़र है वो डिलीट होता है कि नहीं, देखिए हमारा जो यूज़र है वो दो नंबर का वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों जो पेजिनेशन है वो भी 1 का पेजिनेशन रह गया है, मतलब इस पेज के आगे का पेजिनेशन जो है वो न ला रहा है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, तो मतलब अपना जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आप ऐसे कुछ क्रूड ऑपरेशंस बना सकते हो, और एपीआई में कुछ ऐसे काम होता है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों आप लारावेल में कोई भी वर्जन में, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कोऑर्डिनेटर में भी ऐसे कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोऑर्डिनेटर में काम नहीं कर सकते हो। लारावेल मतलब जो है वो एक, आप देखिए ना कि अपना जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ सेम टू सेम रहता है। तो आपको MVC अगर आता है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर भी आपके लिए सही है। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लारावेल यूज़ कीजिए, क्योंकि लारावेल जो है वो अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क है और बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी डिमांड है फ्यूचर में आने वाली है और ज़्यादा, अभी तो इसकी डिमांड है और ज़्यादा डिमांड इसकी आने वाली है। तो दोस्तों आप API में कुछ ऐसे काम कर सकते हो। और दोस्तों अभी लारावेल ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो दोस्तों API के मैनेजमेंट से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, API के मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। वेब के लिए कम यूज़ हो रहा है, लेकिन API मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर कोई फ्रेमवर्क है तो लारावेल है दोस्तों। तो दोस्तों आप लारावेल में कुछ ऐसे सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।